Good morning, class 5th. What is day today? Today is Thursday. And what is day today? Date today? Today is, kya date hai bete students? 9th of July 2020. So students, me Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. How are you students? I hope you all are fine. So students, dekhiye, jo aaj hum class 5th Hindi Vyakaran ki book mein part number 2 karenge, Varn, Varnmala aur Matra. ये आज हम लेसन रीड करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है. वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, आगत ध्वन्य, पंचम वर्ण, स्वर के भेद, संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेद, ये सब हमारा इस पाठ में दिया हुआ है. अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारे इस पाठ में क्या दिया हुआ. आरंभक इसे हम बाद में करेंगे लेसन रीड के बाद. बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, बिल्कुल निकलती है. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, उन आवाजों को ध्वनि कहते हैं. हिंदी भाषा में अ से ह तक 44 वर्ण हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है. व्यवस्थित रूप मीन्स सही तरीके से, जैसे अ आ ई ई, मतलब इसको अलग अलग तरीके से नहीं, जैसे आ पहले आ गया, न पहले आ गया, ऐसे नहीं. इसको व्यवस्थित रूप में लिखना वर्णमाला कहलाता है. हिंदी का वर्णमाला देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं. देखिए, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन. जो स्वर होते हैं वो हमारे 11 होते हैं. देखिए, अ आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ, तो ये जो है हमारे स्वर हैं. ओके, एंड व्यंजन ये हमारे 33 हैं. अब देखिए, जो फर्स्ट लाइन है क वाली, क क, ये व्यवस्थित रूप में लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये हम इसे वर्णमाला बोलेंगे. अब देखिए, कवर जो ये फर्स्ट लाइन है इसे बोलेंगे कवर, क ख ग घ अन्य. आगे च छ ज झ अन्य, ये क्या है, च्वर्ग है. इसे दूसरी लाइन को क्या बोलेंगे, च्वर्ग. थर्ड लाइन जो है त्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अतंस अतंस अंतस्थ व्यंजन, उषम व्यंजन. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये देखिए, अड़ा न्य अड़ ने मैं व्यंजन, ये कौन से होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं. ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, पंचम वर्ण. देखिए, ये ड अन्य अड़ ने मैं, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, पंचम वर्ण कहलाते हैं. हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है. समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि के शब्दों को ग्रहण किया है. शब्दों के साथ साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया है, जिन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है. यह ध्वनियां हैं अंग, अहा, अण, ड, आ, ज, फ, अण. अंग और अहा अयोगवाह स्वर हैं. आ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं, जिन्हें अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषाओं से लिया गया है. अणा अणय अण्य अणय ने मैं, ये पंचम वर्ग कहे जाते हैं. ड और ढ़ अतिरिक्त वर्ण हैं. अक्षय, त्रय, ज्य और श्रय संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, ये हमारे हमने ये जरूर पढ़ना है. अंग और अहा ये अयोगवाह स्वर है, ये हमने इसे जरूर रीड करना है. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स दी हुई है, तो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ तक रीड करेंगे. ओके, और आपने ओनली रीड ही करना है इस लेसन को. एंड नेक्स्ट जो ये स्वर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे इस लेसन को यहाँ तक रीड करेंगे. रीड करना है आपने, अच्छे से इसे समझना है. बस ओनली आपका यही होमवर्क है कि आपने इसे रीड और समझना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.